जितनी आप नजर आती हैं खूबसूरत, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यार पाजी दी मेरी समझ चाह रहे, तुसी आके ना समझाओ। सेट देखें कितना अच्छा है। रमीज भाई कैसा लग रहा है आपको शो होस्ट करके? एक दो दफा हुआ है। अच्छा, अपोलोजाइज करना पड़ा कि यार आई डिडंट मीन दैट। मैं कुछ ना कुछ बात जो है ना इधर उधर से तोड़ मोड़ के कोशिश कर लेता हूँ। हिना रीटच कर रही है, आपको आधा घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ देखिए कैच। और चौका मारे सीधा जी। ये यहाँ का रैम्बो है, ठीक है ना? क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रांझा। रांझा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साहिबा और आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विद साहिबा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुनो टीवी के ऑफिस में और मेरे साथ हिना न्याजी। आप बताइए कि कैसा शो चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शो चल रहा है। जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ है हमारी ये ख्वाहिश थी कि आप लोग हमारे मेहमान बने, आप आए और बहुत सारी रिसर्च की और आपने जिस तरह से ऑनेस्टी के साथ जवाब दिए हैं ना, बहुत कम लोग इतनी ऑनेस्टी के साथ जवाब देते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऑनर की बात है। और जितनी आप नजर आती हैं खूबसूरत, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कैमरा आपकी खूबसूरती के साथ जस्टिस नहीं करता। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये हैरान थी कि इन लोगों ने वाकई बहुत जबरदस्त रिसर्च की है। वो बातें जो हम भूल गए थे वो उन्होंने निकाल निकाल के हमें वो हमसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे और बड़ा मजा आया। और रमीज राजा सर भी हैं और अब सेट पे चलते हैं और उनसे भी बातचीत होगी, गपशप होगी। हमें चलते हैं इधर, मैं भी हूँ, फटाफट चलते हैं। रमू साहब ने बताया भट साहेब, अरे सूदी भट साहब हमारे फिल्म डायरेक्टर जी बहुत बड़े, हमने बेतहाशा काम किया, उनके ये बरखुरदार हैं और इस वक्त ये माशाल्लाह शो के प्रोड्यूसर हैं। सही, उनकी बेगम साहिबाएं, इसीलिए दोनों बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा जी, ये इनकी बेगम। ओ अच्छा, बताया नहीं बेटा मुझे। हैं? ओ हो 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 हो, हमें शादी में बुलाने हैं, ये एंगेज्ड हैं अभी। अच्छा, शादी में इनवाइट करने हैं अपने। ओके ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पता है मेरी सबसे ज्यादा लड़ाई मेरी सुदी भट्ट साहब के साथ बहुत होती थी। हाँ हाँ हाँ, सचमुच। और पता है किस बात पे होती थी? पता है किस बात पे? किस बात पे? वो जो ड्रेस देते थे ये नहीं पहनती थी। और पप्पा जी मैनू नहीं पता तुसी आई पाने ने, वो कहती है भट्ट साहब कभी नहीं पहनूंगी। तो फोन उठा के प्रोड्यूसर को फोन करते थे, और यार इन्हें पाजी पाजी कहते थे, मुझे भी पाजी यार पाजी नहीं मेरी समझ आ रहे, तुसी आके इन्हें समझाओ। और प्रोड्यूसर आके कहते थे, हाँ जी क्या? कहती देखें ये कपड़े मैं पहन सकती हूँ, मैंने नहीं पहनने कभी पहने। और कहते नहीं, क्या करना है? मैं ये पहनूंगी, तुसी ये पा लो। फिर तुसी जिम्मेदार हो, मैनू नहीं पता है गाना, तुसी जिम्मेदार हो। चले जी, ये बड़ी खास बातें थी जो मतलब शायद ही कभी आनी थी इसमें। सही बात। तो टर्की में वो फिल्म थी खुदा जाने और लव 95, तीन फिल्में एक दफा, एक ही दफा लगता था एवरन्यू और बारी उधर ही पहुंच गई। अच्छा। तकरीबन 10 से 15 20 एक्टर और तीन डायरेक्टर, तीन प्रोड्यूसर्स और इतनी टेक्नीशियन सारे, एक जावेद शेख साहब की फिल्म थी, दो फिल्में हमारी थी, तीन फिल्में इकट्ठी पहुंच गई थी इस्तांबुल चौक में। और एक होटल में सारी थे, एक ही होटल, एक होटल में सारा पूरा होटल पाकिस्तान से बड़ा होता था वहां। शो स्टार्ट हो गया और ब्रेक हुई है, पहली ब्रेक हो चुकी है, पहली ब्रेक हुई है, हमारी एंट्री भी हो गई है। तो रमीज राजा साहब बैठे हुए हैं, आए देखते हैं कुछ सेट देखें कितना अच्छा है। ऑडियंस भी है, ये देखें पिच भी है। कैंडी जाया नहीं करना चाह रही। अच्छा, ब्रेक लंबी कर दे जी, बहुत सारी ब्रेक्स हो गई हैं, बीच में टाइम नहीं मिलता, लेकिन शो आप देखेंगे इंशाल्लाह सुनो न्यूज़ पे। रमीज भाई कैसा लग रहा है आपको शो होस्ट करके? सर मुझे बिल्कुल आपसे मैं तरबियत अभी लूँगा जैसे ही शो ख़त्म होगा। नहीं सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही बताएं। आपकी मोहब्बत है मगर ये मेरे लिए एक नई टेरिटरी है, नई टेरिटरी। हमें तो वो मुश्किल लगता है जो आप जाके कमेंट्री करते हैं और सबके नाम याद कैसे होते हैं। सही बात है, फिर इसलिए कि आपकी इज्जत का दाव लगा होता है ना, तो इज्जत अपनी बचाने के लिए बड़ा जरूरी है कि नाम तो एटलीस्ट ठीक हुआ है कभी कि गलत नाम ले लिया हो? हाँ, एक दो दफा हुआ है। अच्छा, अपोलोजाइज करना पड़ा कि यार आई डिडंट मीन दैट।
अच्छा पहले तो व्हाइट वर्दियां होती थी, नाम भी नहीं होते थे, नंबर्स भी नहीं, तब हो सकता था, अब तो नंबर से भी लोग याद। अब खैर इतने क्योंकि T20 में बहुत लोग आ गए तो इसलिए उनका नाम भी नए नए आ रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं ना कि जो हिट हो रहे हैं आजकल, तो ये बड़े बड़े नाम जो है ना वो पीछे चले गए हैं T20 में। अच्छा, नए बच्चे जो है ना वो हमला कर बहुत तेज है। अभी उम्मीद है, उम्मीद आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है इस शो में देखा है, वो आम क्रिकेटर्स में इतना ज़्यादा नहीं होता, आप में कैसे है? मुझे ये नौकरी शायद इसलिए दी है उन्होंने। अच्छा। कि मैं कुछ ना कुछ बात जो है ना इधर उधर से तोड़ मोड़ के कोशिश कर लेता हूँ। नहीं बड़ा अच्छा लाला ने बहुत अच्छा किया, कुछ ना कुछ जो आपने उसको जुगत मारी है ना दो तीन वो बेस्ट थी। इन्होंने मुझे मारने कहते कितने कितने नहीं ओजी के अंदर पहले मैं बिल्ली था। अच्छा हाँ चलो जी राजा साहब, चलो अभी ये हिना रिटच कर रही है, आपको आधा घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ देखिए अब तैयार मेकअप पे भी लड़कियों को आधा घंटा चाहिए। हाँ जी हाँ ये पहन लो जी, ये बैट्समैन साहिबा बॉल करने आए हैं, जरा आगे आगे आओ। चलो ओ चले हाँ जी कैच। मैं बता सकती हूँ कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। बिल्कुल ये और चौका मारे सीधा खेली नहीं है, स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव। हाँ जी अच्छा खेली है। आइए जी ब्रेक के बाद, अब लास्ट ब्रेक है, हम आपको बीच वाली ब्रेक्स नहीं दिखा सके, लेकिन ये है कि ये जी ये यहाँ का रैम्बो है, ये अपना काम कर रहा है। हाँ जी हैं भाई ठीक है ना, तू सुनो था रैम्बो है, मेरी भी सुन ले। थैंक यू सर। चले भाई सेट सेट वाकई बहुत खूबसूरत आ रहा है यार, बड़ा ही खूबसूरत सेट। आप सेट के ऊपर आपने मेहनत की है, हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना शो से पहले कि क्या क्या एंगल पे क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, और फिर वो अभी तो अगले शो में मैं बोंगोस ही बजाऊंगा, मैं बोंगोस बजाता हूँ। अच्छा बिल्कुल इनके साथ यहाँ से शुरू करेंगे हम। चलो वेरी गुड, विकेट्स बड़ी अच्छी लगाई हैं आपने पीछे, और 3D में, हाँ 3D में ये देखें जी कितना खूबसूरत सेट है, और ये प्रॉपर स्टूडियो बना हुआ है, ये इस तरह के स्टूडियोज बहुत कम है, और ये हमारी टीम है जी म्यूजिशियन की। आइए जी चलें जी, ब्रेक खत्म होने वाली है तो एंड पे आपसे बात होगी। हाँ देख लो जल्दी देख लो, स्टैंड बाई की आवाज आई है। आप क्रिकेट अच्छा खेली हैं भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है मैंने, किया इंटरनेशनल। चल कितनी अच्छी लाइट लग रही है, वाह वाह यार वेरी गुड यार। आप हमें देखेंगे शो टाइम विद रमीज़ नहीं, आज रात आप हमें देखेंगे। चलो जी आ जाओ, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रांझा। रांझा जो एक मिनट चुप करोगे, एक मिनट यार पहले कैमरा इतने ले आओ, ऐ बोल रहे इन्हों का कर लो। हाँ जी राइट ओके चलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो। मैं हूं साहिबा। जुमेरात से इतवार तक रात 9 बजे देखना मत भूलिएगा। 11 बजे हाँ
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जान रैम्बो। मैं हूँ साहिबा। 11 बजे 9 बजे क्यों मैं कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जान रैम्बो और मैं हूँ साहिबा। क्या दिन था? हाँ चलो, नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जान रैम्बो और मैं हूँ साहिबा। जुमेरात से इतवार तक रात 11 बजे देखना मत भूलिएगा शो टाइम विद रमीज राजा ओनली ऑन सुनो न्यूज पर। टिडिंग टिडिंग। शो खत्म हो गया, तस्वीर बाजी। अपना कोई मोबाइल दे देना, मोबाइल दे रहे हैं आप लोग, अपना मोबाइल दे रहे हैं। इधर से चलें, जल्दी करें जल्दी। सैन किधर है? अगला शॉर्ट इंट्रो मिसर का, आप उधर चलो। मुल्तान रोड से? नहीं सर,